चलते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो ये हम मिक्सचर चैप्टर पढ़ रहे हैं किरण 11800 की बुक से, इसमें हमने इसकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं देखिए सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप के देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे ऐसी 6%, इधर लिख देंगे 0%। कितना हो जाना चाहिए, 5%। इसको इधर लिख देंगे कितना, 5। इसको इधर लिख देंगे कितना, 1। तो ये 5:1 हमारे हिसाब से कितना है, टोटल नमक जो है 5, उनके हिसाब से कितना, 25। क्योंकि पानी जो है ना अपने आप में जीरो होता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो यहाँ पे इसका मान निकाल देंगे 1 का, तो 1 इसको काट देंगे, 5×5=25, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका और बता देते हैं बुक में, इसका एक तरीका और है अगर आप ऐसे भी करना चाहें। देखिए टोटल तो ऐसे ही रख लेते हैं 25, जो दोनों परसेंटेज है उनका अंतर कर लेते हैं, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1, और बटे डिवाइड कर देते हैं सेकंड परसेंटेज से। तो 5×25 ऐसे भी डायरेक्ट बता देते हैं, ये क्या होता क्वांटिटी इनटू बोल देते हैं परसेंटेज जो है उनका क्या होना चाहिए, ऊपर तो लिख लेते हैं डिफरेंस और बटे में रख देते हैं सेकंड परसेंटेज, ये इससे भी इसको बना देते हैं जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया। मर्जी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही ईजी हैं। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। एक प्रकार के उसमें बताया, एक दूसरे प्रकार के में, एक में बताया 20% जल है, जब इसमें 20% वाटर है तो ये पक्की बात है कि 80 लीटर जो बाकी बचा होगा और लिक्विड होगा। इसमें बताया 35% जल है तो पक्की बात है दूसरा कितना होगा, 65% होगा, ये वाटर ये लिक्विड। अब आप ऐसे लिख देंगे इधर 20 और इधर कितना, 35। इसमें हमें पता नहीं, मान लेते टोटल एक्स है, लेकिन इसके बाद का जो बताया 10 और 4 अंश है, भाई 10 और 4 का मतलब क्या हो गया, 10 और कितना बताया, 10 अंश और दूसरे प्रकार का 4 अंश है। काट दो 2×4, 2×5=10, तो यहाँ पे लिख दो 2×5=10 और 2×4, ये अनुपात होना चाहिए। अच्छा बहुत ध्यान से सुने, बीच का ये हमें जब निकालना हो, ये कैसे निकालेंगे, जो कह देते हैं ना इन दोनों का जो योग होगा वो कितना आया 7, वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, इन दोनों का अंतर कितना है 15। तो आप यहाँ से निकाल देंगे, 2 का वैल्यू निकाल लें, चाहे 2 का मान निकाल लें, मर्जी आप किसी का निकाल दें, मैं 2 का भी निकाल देता हूँ। तो आप इसे काटेंगे 15/7 और गुणा में कितना 2, 15×30 कितना आ गया 7। ऐसे इधर काट देंगे 3 का मान, 5 का मान निकालना चाहो तो 5 का मान आ जाएगा 15/7 और गुणा में कितना 5, 15×5=75 और बटे में कितना 7, ये हमारे पास रेशो आ गया। अच्छा क्या पूछा था इसने हमसे, बीच वाला भाग, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसका मान कितना, ये 15/7, तो मैं यहाँ पे रख दूँ 15/7, तो ये कितना है आपका 75/7 और यह कितना आ गया 30/7। अब रख दो यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे इसकी, तो यहाँ पे रख दो आप 24/7, कितना रख दो 24/7। जैसे इसमें से घटाओगे ये और इधर इसमें से घटाओगे तो ये। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही तो पूछा था लास्ट में हमसे इसमें, तदनुसार गिलास में नए मिश्रण की मात्रा, उस गिलास में नए मिश्रण में कितना जल होगा, जल पूछा था ना आपसे, तो हमसे हाँ ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 24/7%। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल शेष पानी है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में कितने प्रतिशत एल्कोहल बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे लिख लेंगे, एक तरफ 20%, एक तरफ 0%, टोटल में पता नहीं कितना एक्स, जो रेशो हो जाए वो कितना घटा देंगे, इधर 20 और इधर कितना 4 काट देंगे, 4×5=20, कितना आ गया 5 और 1। हमारे हिसाब से इनका सम कितना 10, वो इनके डिफरेंस के बराबर रख देते हैं, तो 1 का मान आ जाएगा 20 इन दोनों का डिफरेंस 20, 20 और बटे में कितना 2 से काट देंगे 6 है, तो यहाँ से 5 का मान निकाल दो, तो 20/6 और गुणा में कितना 5, तो जब आप करेंगे 20×6 मतलब 2100 और बटे में कितना 6, तो ये आ गया 100/6 और ये कितना आ गया 20/6। बस अब आप इसे हल कर ले, देखें x का मान हमें निकालना है, x का मान कैसे निकालेंगे, तो कितना आएगा 3/2/3, काट देंगे इसको जितना आपसे कट रहा, नहीं तो इसको ऐसे, ये 6 है ना तो 2×3=6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1/3। बस आंसर करना, तो 20 लीटर में से घटा देंगे कितना 3/1/3, तो जब इसको इसमें करेंगे 3×3=9, तो 20/9 10/3 हो जाएगा, 30 में से आएगा तो कितना
60, 20 या 60, 60 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 50, और बटे में कितना 3, या इसको कह सकते हैं 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? एक बार में इसे दोबारा दोहरा दूँ, देखें क्या कह रहे हैं फिर से। ये बात आप समझते हैं यहाँ से, ये कैसे निकल के आता है, इसका मान निकल गया एक का मान और ये इसका मान, ये हमारे पास। अब यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए था, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 कह लो, या फिर आप इसे 10/3 कह लो। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप इसे ऐसे ना करें, मैंने फिर से आपको पहले एक तरीका बताया ना, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए 4 में, देखिए 4 में क्या कहा गया, एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4 है, तो से सीसा खान से निकाले गए अयस्क में द्रव्यमान 8 किलोग्राम है, तो सीसे का द्रव्यमान आपको बताना कि सीसे का द्रव्यमान कितना। वही वाला फॉर्मूला लगा दें जो आपको बताया था, 8000 है टोटल, इसका पहले 60% निकाल दो, 60/100 और 1 माइनस कितना कर दो, 3/4 परसेंटेज है, तो नीचे कितना जाएगा 100। बस कैलकुलेशन थी, 20 से 20, 8 सिंह कितना हो जाएगा 4800, और ये 400 में से 3 जाएगा तो 397, और बटे में कितना कर देंगे 400, 20 से 20, 12 चौक 48 गुणा कर देंगे 4764। ऐसा ऑप्शन देख लें कौन सा, 4764 फोर्थ में, 4764 सी वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, ये छोटा सी ऐसे आ जाएगा, एक मिश्रण में का भार बता रहे हैं 18% तांबा है, यदि इसमें 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता और होगी, तो ऐसे लिख लेंगे 18% 18 किलोग्राम है नहीं, ऐसे लिख लें 18 किलोग्राम, ये अपने आप में 100% होगा, तो हमसे 81 का मान पूछ रहा, 100/18 और गुणा में कितना 81, कैलकुलेशन है 9 × 2 = 18, 9 × 81, 900/2, 900 का मतलब आधा कर देंगे 450, और ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि 20% इथेनॉल का घोल प्राप्त करने के लिए 28% इथेनॉल का घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल को घोल को 40% के इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित अनुपात ही हो जाए। तो देखिए एक तो 20 वाला और दूसरा कितना 40, और इसको कितना कहा ओवरऑल 28% के में, तो इसे घटा देंगे, इधर रख देंगे 12, उधर कितना जाएगा 8, काट देंगे तो 3:2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, 84 रुपये प्रति किलोग्राम है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, और